आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज SCERT के 35वां फाउंडेशन डे के समारोह में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के सदस्य अतिशी जी, SCERT के डायरेक्टर श्री रजनीश सिंह जी, देश के पहले टीचर्स यूनिवर्सिटी के उप कुलपति धनंजय जोशी जी, यहां उपस्थित SCERT के सभी पूर्व निदेशक गण, सभी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, SCERT के सभी प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, टीचर्स, यहां उपस्थित सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट टीचर्स, मैं आप सब लोगों को खास करके हमारे स्टूडेंट टीचर्स को हमारे SCERT के जो फाउंडेशन डे का बधाई देना चाहता हूं। ये आपका दिन है। SCERT का फाउंडेशन रख के जो हमारे पूर्व निदेशक SK भंडारी साहब ने आज ही का दिन 35 साल पहले रखा था, जो मकसद से इसकी इस संस्था की जो फाउंडेशन हुई, उसका जो मकसद था, आज तक हम लोग उस मकसद को कितने तक हम पूरा कर सके, अगर इसको देखना है तो हमारे यहां बगल में पीछे एग्जीबिशन हॉल में जो इतने खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से दर्शाया है, स्टॉल लगा के फोटोग्राफिकल द्वारा और आर्ट्स के, अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं तो जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां इसका विवरण सब कर नहीं सकता हूं, जो कम टाइम में जो आपके सामने दर्शाया जाता है उसको जरूर जाके देख लीजिए हमने पिछले 35 साल में कितनी प्रगति की है, और खास करके पिछले 5-7 साल में हमारी प्रगति कैसी रही। हमारे SCERT का जो एक्रोनिम है उसमें दो शब्द अहम है, रिसर्च और ट्रेनिंग। जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, आज के दिन में रिसर्च की इंपॉर्टेंस एजुकेशन में कितनी है, आप सब लोग वाकिफ हैं। दिल्ली में एजुकेशन के सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन, पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स जो हाल ही में हमने किए, सबने मिलकर, हम सब लोग मिलकर, उसके पीछे जो ब्रेन है, उसके पीछे जो सपोर्ट है, मेंटरशिप है, वो SCERT का कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारे SCERT के प्रोफेसर लोगों ने, टीचर्स लोगों ने और स्टूडेंट्स लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक करिकुलम डेवलप किया है, और उसको कैसे लागू करना है, उसको ट्रेनिंग के द्वारा हमारे जो डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, हमारे MCD के टीचर्स हैं और सब टीचर्स हैं, टीचर्स को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च, अगर हम विश्व में देखें, किसी भी देश की जो उन्नति है, उस उन्नति में सबसे बड़ा योगदान जो है वहां का शिक्षा व्यवस्था है। आप विश्व में देखिए, ऐसे कोई विकसित देश नहीं है वो शिक्षा
जिसमें महत्व का जो पात्र नहीं है। अगर भारत देश एक विकसित देश, एक सुपर पावर बनना है, ये हमारा मकसद है, ये हमारी मंजिल है, मगर ये मंजिल को हमारे हासिल करने में हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना सबसे जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, ये हमारे संस्था SCERT जैसे संस्था दिल्ली में और देश भर में है, वहां से रिसर्च के द्वारा पैदा होगा। जब आप लोग फील्ड में हैं, जो आप पढ़ाते हैं और पढ़ाने वालों को पढ़ाते हैं, जब फील्ड के एक्सपीरियंस एक्शन बेस्ड रिसर्च करके आप ये शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारिए आने वाले दिन में, कैसे हमें जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू कैसे करनी है, ये आपके रिसर्च के द्वारा आए। दूसरा शब्द है ट्रेनिंग। हमारे साथ 9 डायट्स हैं, डायट्स में प्री सर्विस और इन सर्विस और SCERT में भी प्री सर्विस, इन सर्विस, उसके साथ ही DLED और BEd जैसे कोर्सेस लागू कर। यहां जो उपस्थित हैं आप सब लोग भावी शिक्षक, आने वाले टीचर्स और देश का भविष्य आप निर्माण करेंगे। जो बच्चों को आप पढ़ाएंगे, जिस तरीके से आप पढ़ाएंगे, जिस तरीके से आप सीखेंगे और जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उसका ऊपर डिपेंड होगा हमारा आने वाला भविष्य का भारत। तो आप लोगों को एक वृत्ति में, एक प्रोफेशन में आने का आपने निर्णय करके आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो। जैसे हमारे टीचर्स हैं, वो आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, मगर आपकी जिम्मेदारी जो है आपको सबसे बढ़िया से बलिदान की जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ जो पहले जमाना था, जो हम जब स्कूल में थे, एक शिक्षक सामने एक क्लासरूम में खड़ा होके पढ़ाया, नॉलेज को दिया, विदाउट जो भी है पढ़ा के चले गए, बच्चों ने जो सीखा या ना सीखा कोई परवाह नहीं रही, क्योंकि साल के अंत में जाके एक एग्जाम लेके पास हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। मगर आज जो 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, जब आज हम बात कर रहे हैं, ये 21st सेंचुरी की एक क्वार्टर ऑलमोस्ट बीत चुका है। आज का दिन ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टीचिंग लर्निंग 21st सेंचुरी में इसकी रिलेवेंस खत्म हो चुकी है। नई शिक्षा नीति 2020 हो या आज का जो नया रिसर्च का सोच और आज का दिन है, आज का दिन में टीचर एक फैसिलिटेटर है, टीचर एक मेंटर है, टीचर एक फ्रेंड है, टीचर एक फिलोसोफर है, टीचर एक गाइड है। वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है अपने आचरण से, आप एक नॉलेज कैसे उसको अनुभव के तरीके से सीखना है। बच्चे आज आपके जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, वो अपने उनको दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे, तब वो सीखेंगे नहीं, उनको आपको उदाहरण बनना पड़ेगा। आप उनको ऐसे सिखाएंगे, बच्चे खुद सीखेंगे अपने अनुभव से, अपने रिफ्लेक्शन से, अपने सोच से। आप सिर्फ एक जरिया है, आप एक माहौल क्रिएट करेंगे, उसी दिशा में हमारी SCERT ने भी उसी दिशा में पाठ्यक्रम को भी तैयार किया है और NCERT ने भी इसी दिशा में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसी दिशा में पाठ्यक्रम को तैयार किया। जो मेरे कहने का अर्थ यही है, आपके हाथ में दिल्ली का और भारत का भविष्य है। जो भविष्य के टीचर्स हैं, आप जब यहां जो अपने कोर्स कर रहे हो उसको आप भलीभांति अच्छे तरीके से, जो मकसद है, लेटेस्ट जो रिसर्च है, लेटेस्ट जो
विश्व भर में जो प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, जब तक आप उसको इंटरनलाइज नहीं करेंगे आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जो आपका सबसे पहला और एकमात्र लक्ष्य होता है, आप जब शिक्षक बनने का आपने तय किया है, आप एक अच्छे इफेक्टिव और एफिशिएंट टीचर बनने के लिए नए जो तरीके हैं, नए जो टेक्नोलॉजिकल तरीके हैं, उसको आपको इंटरनलाइज करना सबसे आवश्यक है। जो मैं आज सब लोग आप सब लोग के एक फाउंडेशन दिन का महत्व यही होता है, आपने हम लोगों ने क्या किया और आने वाले दिनों में हमारी क्या मकसद होने चाहिए, हमारे दिशा क्या होनी चाहिए, हमारा काम क्या होना चाहिए, उसी दिशा में एक नए सोच के तरीके से, एक नए सोच, एक नए उम्मीद से हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसे फाउंडेशन दिन का दिन हम सब लोगों को संकल्प करने के लिए ये दिन का दिन को मनाया जाए। जो मैं आप सब लोगों को और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस फाउंडेशन दिन के, और आप सब लोगों से जैसे हमारे मंत्री जी ने भी कहा, आप लोगों से हमारे एससीईआरटी की जो संस्था से यहां काम करने वाले सभी अध्यापक जनों से, हमारे डिपार्टमेंट के सभी टीचर से और हमारे भावी टीचरों से जो उम्मीद है, आप सब लोगों को मिल के हमारे एक सुदृढ़ भारत बनाने के लिए एक अच्छे नागरिक का तैयार करना आपका मिशन है। मैं उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।